चुनाव का ऐलान अब कभी भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान का एक और बड़ा संकेत अब से कुछ ही देर पहले मिल गया है। देश में पेट्रोल डीजल को केंद्र सरकार ने 2 रुपए सस्ता कर दिया है। अब देश में कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल दोनों 2-2 रुपए सस्ते मिलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की कविता लिखते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया है कि अब पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ते किए गए। 23 महीने बाद देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए हैं। इससे पहले 2 बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके पेट्रोल 13 रुपए और डीजल 15 रुपए सस्ता किया था, जिसमें अब 2-2 रुपए की कटौती का ऐलान सरकार ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले कर दिया है। सीधे अपने संवाददाताओं के पास आपको लिए चलते हैं, अलग अलग शहरों का हाल और लोगों के मन की बात आपको सुनाते हैं। जयपुर में शरद कुमार हमारे साथ हैं, दिल्ली में पंकज जैन, कोलकाता से ऋतिक मंडल और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव। शरद, सबसे बड़ी बात राजस्थान में तो ये भी हो गई कि वैट में भी कटौती कर दी गई है, यानी अब कल सुबह से कितने रुपए का मिलेगा पेट्रोल और डीजल? देखिए, राजस्थान में तो भजनलाल सरकार ने और मोदी सरकार ने दोनों ने मिलकर सौगात दी है, तो आप मानिए कि अगर अधिकतम माने हम तो पेट्रोल पर 5.30 रुपए और डीजल पे 4.85 रुपए ये मिलाकर देखें तो राजस्थान के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और ये चुनाव से ठीक पहले लोग मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि आचार संहिता लगने वाली हो। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से लोगों के फायदे हैं? फायदा तो मिलेगा जरूर, सभी को उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल में दाम कम होंगे। आखिर में बीजेपी सरकार ने कुछ पैसे कम करके कस्टमर को राहत दी है। कुछ लोग रहा उनसे बातचीत करेंगे हम। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा खेमचंद कुमाऊत सर। खेमचंद जी, आज दोनों सरकारों ने राहत दी है पेट्रोल डीजल पर, लगता है कुछ जेब में बचत होगी? बिल्कुल बचत होगी सर, क्यों नहीं होगी। बहुत बढ़िया काम किया सर भजनलाल सरकार ने, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। केंद्र सरकार ने भी किया है, वो तो सर संपन्न है, शुरू से ही मोदी जी तो अपने। अच्छा, मोदी जी के शुरू से ही है आप। आपका क्या नाम है? विशाल चौहान। विशाल जी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, उम्मीद थी कुछ बचेगा, क्या करते हैं आप? मैं सैलून चलाता हूँ और मोदी सरकार ने ये अच्छा काम किया है कि पेट्रोल डीजल में भजन सरकार ने भी कम कर दिया। भजन सरकार, मोदी सरकार के पीछे भजन सरकार आई है, ये पब्लिक है, सब जानती है, यही कह सकते हैं आपकी जितने लोगों से बातचीत कर रहे हैं शरद, उनकी बातों को सुनकर। लेकिन पंकज, दिल्ली में भी लोग इतने खुश हैं क्योंकि समझ तो सब भी रहे हैं कि चुनाव बस अब ऐलान हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही थोड़ी सी बचत हो जाए तो उसमें क्या कमी? बिल्कुल श्वेता, आपसे बातचीत से पहले यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो बाइक चालक हैं उनको काफी ज्यादा बड़ी राहत ये नजर आ रही है, और साथ ही साथ जो कार चालक हैं वो इसको चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि लोग पहुंचे हुए हैं, रात का वक्त है और सोशल मीडिया पर क्योंकि ये ऐलान हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि ये ऐलान कब हुआ है, क्या अभी सस्ता हो गया है। पेट्रोल पंप पे लोग पूछ रहे हैं क्या अभी सस्ता हो गया तो अभी हमें इसकी राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो बाइक चालक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है। ये पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो गया है सुबह 6 बजे से, हालांकि ये लागू होगा, आपकी जेब पर कुछ असर पड़ेगा? जी सर, पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो गया। 2 रुपए सस्ता हो गया, अभी तो 96.72 दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सुबह 6 बजे से लागू। कल सुबह से? हाँ, तो ठीक है, बहुत वेल एंड गुड है ये। हाँ, ये चीज और बढ़िया है। आपको लग रहा है चुनाव से पहले ये ऐलान हुआ है तो और भी ज्यादा आपको चाहिए राहत या इतनी काफी है? नहीं, और भी चाहिए। हाँ, देखो, देखिए हमारा जो वो है ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग अप्रोक्सीमेटली हमारा होता है 25-28 किलोमीटर डेली अप डाउन, तो उसके लिए अच्छा है कि सरकार मेहनत कर रही है और कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपने सुना कि क्या कह रहे हैं बाइक चालक श्वेता, और जाहिर है कि जितने भी लोगों से हमारी यहाँ चालक जो है उनके लिए ज्यादा राहत लेकर आएगी, कार चालक भी क्या उत्साहित है यही सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऋतिक मंडल कोलकाता से हमारे साथ है। ऋतिक, बताएं कोलकाता में 2 रुपए की कीमत समझ रहे हैं वहां के लोग या फिर उन्हें और की अपेक्षा है? देखिए,
स्वेता, पहले तो हम बता दें कि फिलहाल मेरा मौजूदगी भवानीपुर इलाके में है, कोलकाता पौश एरिया है, लेकिन रात का वक्त है, गिने चुने लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज के तारीख में कोलकाता में पेट्रोल की प्राइस 106 रुपए है और डीजल की 104 रुपए, जो कि 100 का पारा बहुत दिन पहले ही कोलकाता पार कर गया था। और ये जो 2 रुपए की राहत है, मेरे अंदाजे से कोलकाता के लिए तो बहुत बहुत दिनों से इसका इंतजार चल रहा था। मेरे साथ मोहतरमा है, वो फिलहाल अपने गाड़ी को लेकर पेट्रोल पंप में रिफ्यूल करने पहुंची हुई थी, मैं उनसे बात करूंगा। मैडम, आपका नाम पहले बताइए। मैं तन्वी भगत। देखिए, चुनावी मौसम है, जो ऐलान किया गया है कि कल से 2 रुपए जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस घटने वाला है, हम कोलकाता वासी के लिए कितना राहत के विषय है क्या, जिसके कोलकाता में 100 का पारा पहले ही पार कर चुका था? हाँ, वैसे तो राहत तो है ही कि 2 रुपया घट गया है, मतलब इट इज अ वेरी बिग एफर्ट, मतलब हमारी सरकार ने बहुत अच्छी एफर्ट ली है के प्राइस थोड़ा घटाने के लिए। और लेकिन हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना चाहते हैं कि हम लोग भी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग को गाड़ी चलानी चाहिए। और इट इज़ वेरी गुड दैट हम लोग के इकोनॉमी में थोड़ा सा दबाव कम पड़ रहा है बिकॉज प्राइस घट गया है। हम लोग ऑफकोर्स 100 रुपी मार्क तो क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन ये जो 2 रुपया जो कम हुआ है वो ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड। एक तो राहत तो पक्का मिल ही रहा है एंड सरकार इज वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड I am supporting the सरकार फॉर दिस। मुझे एक चीज बताइए, मेरा आखिरी सवाल मैं आपको ले लूंगा, बंगाल में जैसे ही ये होता है घोषणा, एक दबाव बनती है राज्य सरकार के ऊपर भी, उनका जो शुल्क है, उनका जो टैक्स है, उस पर भी क्या छार देने की आप मांग करेंगे? राज्य सरकार अपने हिस्से की भी वहाँ पर थोड़ा छूट दे ताकि आम जनता, मध्यम वर्ग, उसको कुछ राहत पहुंचे। हाँ हाँ, बिल्कुल ही। आज सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हम लोग को, राज्य सरकार को तो, वैसे भी राजस्थान की तरफ से अगर राजस्थान सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है आशीष, तो उसके बाद बाकी राज्य सरकारों के ऊपर भी रहेगा। एक तो ये बताएं कि लखनऊ में क्या रेट इस समय चल रहा है और ये 2 रुपए की छूट किस तरीके से लोग देख रहे हैं? देखिए श्वेता, ये बड़ी छूट है लोगों के लिए और मैं जहां पर हूँ ये अलीगंज का एरिया है लखनऊ का, और आप देखिए जैसे ही लोगों को पता लगा है, दिखाने की कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा लोग यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी जो है जो 96.57 पेट्रोल का जो रेट है यहाँ पर, जो कम होने के बाद लगभग वो रेट 2 रुपए और कम हो जाएगा, यानी कि लोगों को राहत मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो डीजल का रेट है वो भी लगातार 2 रुपए कम हुआ है। अब देखिए हमारे साथ जो लोग अभी आए हुए, ये बताइए कि डीजल का रेट और पेट्रोल का कम हुआ है, क्या कहेंगे? अभी फिर बढ़ जाएगा रेट। चलिए, संपर्क आपका टूट गया है आशीष, हमारे संवाददाताओं का आपने सुना कि लोगों से बातचीत कर रहे हैं, 2 रुपए प्रति लीटर अगर इसके दाम में कमी आ रही है पेट्रोल और डीजल के, तो सीधे तौर पर लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, सबको मालूम है कि चुनावों से जुड़ा हुआ मामला है, पर थोड़ी सी रियायत और राहत किसी को भी अखरती नहीं है, चुभती नहीं है।